नवीन इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग में फ्रेंड्स, आप सभी फ्रेंड्स लोग का स्वागत है, वेलकम है फ्रेंड्स। आज आपको देख पा रहे हैं हमारे पीछे आपको छत का, ये टोटली लगभग 1500 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसके अंदर में छत में किस तरीके से पाइप फिटिंग करेंगे, किस तरीके से वायरिंग करना चाहिए, ए टू जेड हम आपको बताने वाला है। स्टेप बाय स्टेप नई नई जानकारी भी देने वाला है। आप अंत तक वीडियो पर बने रहे, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ताकि आपका ढेरों सारा प्यार हमेशा मिलते रहे तो चैनल को लाइक भी कीजिए, और साथ साथ में कई सारी जानकारी भी देने वाला हूँ इसके अंदर में। आप अंत तक बने रहे मेरे साथ, चलिए आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये टोटली छत पे और आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे सरिया सभी बंध के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फैन बॉक्स, कंसोल बॉक्स यहाँ पे रख दिया गया है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जब भी आप छत में पाइपिंग करें, फिटिंग करें, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, जितने भी रूम है या जो भी है, आप देख सकते हैं किचन है या इसके अंदर में डाइनिंग हॉल है, ब्रामडा एरिया है, पूजा रूम है, बाहर में छज्जी है, अंदर में छज्जी है, तो इस चीज़ को आपको पहले क्या करना है, जितने भी जहां भी आपको जिस तरीके से वायरिंग करना है, आप कस्टमर से एक बार उनसे ज़रूर डील कर ले, उसी के हिसाब से जो भी सामान है वो आता है, तो इसी हिसाब से आपको क्या करना है, पहले मेज़र कर लेना है। मेज़र करने के लिए फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी आप नीचे जाके सभी जगह पर देख लेना है, रूम सब में देख लेना है कि कहाँ पे कितना छज्जी है। आप देख सकते हैं ये रूम आप देख रहा होगा, यहाँ पे ये छज्जी है। तो पहले क्या करना है, छज्जी का मार्किंग कर लेना है कितना है। तो लगभग इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो इस दीवार से आपका 2 फीट है। तो लगभग सभी रूम के अंदर में 2 फीट का छज्जी है, आपको इस चीज़ को ज़रूर मार्किंग कर लेना है। ये देखें किचन है, किचन में भी आपको स्लैब जो भी डाला हुआ है इसके हिसाब से आपको मार्किंग कर लेना है, ताकि क्या होगा, जो भी आप फैन बॉक्स डालेंगे, कंसोल डालेंगे, वो सारे के सारे आपका सेंटर टू सेंटर आपको दिखने वाला है, एक खूबसूरत लुकिंग भी होता है। तो ये बहुत ही सावधानी से आपको यह ध्यान में रखना है, ताकि आपका मेज़रमेंट भी बहुत अच्छा हो सके। तो नीचे का पूरा एरिया आपको पहले घूम लेके देख लेना है, मार्किंग लेना है कि किस तरीके से कौन कौन सा पॉइंट डालना है सभी जगह पे। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए, और एक को क्या करना है, देख सकते हैं ये इस साइड में आप ये छज्जी का एरिया है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको मार्किंग कर लेना है, और मार्किंग करने के बाद इसके बाद इसको सेंटर टू सेंटर करना है फ़ैन को, और फ़ैन को सेंटर करने के बाद आप कंसोल बॉक्स को भी अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्किंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये फैन बॉक्स है, कंसोल बॉक्स है, और लगभग आपको सभी सीधे दिखेंगे। ये देखेंगे ये डाइनिंग हॉल का एरिया है, आपको मार्किंग भी कर लेना है, और ताकि आपका लुकिंग भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रख के वर्क करना है। आगे देखेंगे, ये आगे का छज्जी का आर्च का एरिया है, इसमें भी आपको मार्किंग कर लेना है। नीचे भी देखना है कि अगर छज्जी निकला है तो उसे थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा के देना है, ताकि छज्जी पे लाइट ना हो। तो इस चीज़ को भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको काम को और भी बढ़ाने के लिए सभी को क्या करना है, जल्द से जल्द आप इसको वर्क करने के लिए क्या, जितने भी फैन बॉक्स है, कंसोल बॉक्स है, सभी के नीचे गस्ता रख लीजिए, ताकि आपका मार्किंग भी मिले नीचे में। ये देखेंगे इस तरीके से गस्ता रखा हुआ है, ये देखिए, और ये इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग हो चुका है। अब इसके अंदर क्या करना है, जितने भी पाइप हैं और जो भी पाइप है, पाइप को अच्छे से नाप करके सभी को अच्छे से इस सभी पे क्या करना है, कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप मार्किंग कर लीजिए, और इसके बाद अच्छे से इसको कटिंग कर लीजिए। यहाँ देखेंगे कटर भी है, और कटर से इसको अच्छे से कटेंगे, ताकि इसमें रफ भी नहीं आता है। और इस तरीके से सभी जगह पर क्या करना है, फटाफट सभी जगह पर मार्किंग करके इसको अच्छे से कट कर लेना है। ये देखेंगे इस तरीके से सभी को अच्छे से जहाँ जो आपको पाइप लगने वाला है उसको कटिंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे इधर जिस एरिया में मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्होत्रा कंपनी का पाइप ज़्यादा चल रहा है, वो भी मल्होत्रा कंपनी का 2 mm का पाइप। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, अगर आप छत में पाइप दे रहे हैं तो मल्होत्रा कंपनी का आप दीजिए, ये बेहतर ही होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि जब इसमें छत में पाइप डलाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जब ढलाई होता है, तो इसके साथ साथ में क्या होता है, इस पर काफ़ी रौंदा भी जाता है कई बार, तो इस चीज़ पे ये पाइप टूटेगा नहीं, मजबूत होता है। तो इस चीज़ पे, और फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके बताइए आपके इधर में कौन सा पाइप यूज़ करते हैं आप सभी इलेक्ट्रिशियन भाई, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे आप।
चलिए बाकी आगे आपको दिखाते हैं। ये दूसरा स्टेप आपको हमने बता पाया कि पहले क्या करना है, पहले सभी फैन बॉक्स कंसोल बॉक्स को रख लेना है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी कटिंग है उस सबको कट कर लेना है ताकि आपका काम बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से हो जाए। उसके बाद सभी में टेपिंग कर लेना है, टेप करने के बाद सभी के अंदर में डाल देना है। देखिए सभी जगह पर रखा गया है और आप इस तरीके से सभी को पाइप को रख के इसके बाद नाप कर लीजिए और कटिंग करने के बाद इसको अच्छे से टेपिंग कर लीजिए। ये देखिए टेप, ये देखिए सभी जगह पे, ये देखिए। टेपिंग भी हो चुका है। अब इसके अंदर में क्या करना है, जितने भी सरिया आपको दिख रहा है ऊपर का जाली, इसके नीचे से बीच में ये सारे के सारे पाइप डाल लेना है। इसके बाद ये वायरिंग आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपको एक चीज़ और भी आगे दिखाते हैं। क्या हुआ? तो फ्रेंड्स देखिए सारे के सारे पाइप वायरिंग हो चुका है छत के अंदर में। अगर आपको दिखा पाओ टोटली छत में वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया भी है कि किस तरीके से कहां कहां पे पहले पहले क्या क्या स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। चलिए आपको एक बार रूबरू कराता हूं कि किस तरीके। देखिए यहां पे मिक्सिंग मशीन भी लग के रेडी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ढलाई भी सवेरे सवेरे स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग को बाकी का वीडियो इसलिए नहीं दिखाया, काफ़ी रात भी हो चुका था। अभी मॉर्निंग टाइम में अगर आप देखेंगे तो अभी लगभग लगभग आपको अभी 6 बजने वाला है। और यहाँ पे मिक्सिंग मशीन भी लग चुका है, यहाँ पे कई सारे मिस्त्री लोग भी आ चुके हैं। तो अब कुछ मिनटों के बाद सब स्टार्ट भी होगा ढलाई। चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से कैसे कैसे आप वर्क कर सकते हैं। पहला चीज़ है कि यहाँ पे देखेंगे मेन जहाँ पे डाउन हुआ है, मेन यहीं पे है, मेन MCB यहीं पे सब कुछ डाउन हुआ है। अगर आपको यहाँ पे दिखा पाओ डाउन जो है वो अब देखें, एक ये छत पे ऊपर आएगा, 1 2 3 4 5 यानी टोटली इसके अंदर में 6 डाउन किया हूँ। आप अपने अनुसार से एरिया के हिसाब से आप इसमें डाउन कर सकते हैं। चलिए ये एक आगे वाला रूम है और इस रूम में भी देखें यहाँ फैन बॉक्स है, 4 कौनसिल लाइट है, एक यहाँ पे केबल के लिए निकाला हूँ, मेन यहाँ पे डाउन किया और बाकी सभी ये 1.5 इंची 3 जगह। ये आगे का छज्जी है और इस छज्जी के अंदर में 9 टोटली कौनसिल लाइट के लिए पॉइंट लगा हुआ है। और ये देखेंगे ये पिलर में भी यहाँ से इसको बैंड करके निकाला हूँ ताकि ये जब आगे का पिलर बनेगा 3 फीट का तो इसके अंदर में भी लाइट कवर करेगा इस जगह पे। अभी यहाँ पे इसलिए देखा ये चदरा रखा गया है ढलाई करने के लिए। इसके बाद ये देखा ये जो अभी हम जहाँ पे भी खड़े हैं ये बरामदा का एरिया है और बरामदा में देखेंगे तो फैन बॉक्स है, 4-4 कौनसिल लाइट है। इसके अंदर में भी देखेंगे एक यहाँ से डाउन हुआ है, दूसरा डाउन यहाँ से हुआ, तीसरा डाउन यहाँ से हुआ है और चौथा इसी से भी डाउन किया हो, फैन से भी, कौनसिल से भी और इसके बाद यहाँ से भी। ये 3-3 रूट एक अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाला है क्योंकि आपको दिखा ये आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन है यहाँ से मेन लाइन हम इसी को लेके जाने वाले हैं। अगर नेक्स्ट काम इसके अंदर में वायरिंग होगा तो आपको प्लानिंग करके लेके चलना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर भी फैन बॉक्स है, दूसरा फैन बॉक्स है, ये डाइनिंग हॉल का एरिया है, ये भी एक रूम है, ये भी एक रूम है और ये रूम, ये एक लाइन से तीनों रूम ही हैं। इसके बाद आपको आगे देखा पर ये एक किचन है, दूसरा ये दोनों रूम है और इस सभी जगह पर 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 हो लाइट के लिए पॉइंट है। और हर जगह आप देखेंगे रूम एक दूसरे से अटैचमेंट भी है, वो भी 1 इंची से, ताकि कभी भी वायर जाने आने का दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको वर्क करना है फ्रेंड्स। और ख़ासकर जो लोग नए इलेक्ट्रीशियन हैं, जो लोग नए छत में पाइप डालना चाहते हैं या सीखना चाह रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर खासकर ध्यान देखेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से पॉइंट को डाउन करना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में करते हुए लेके चलना। यहाँ से देखेंगे ये डाउन हुआ मेन, क्योंकि आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि हमको किस साइड में कौन कौन सा पॉइंट चाहिए, इसी हिसाब से ये देखेंगे डाउन एक तरफ इधर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा ये। और ये छज्जी का एरिया है तो छज्जी में देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप 3 साइड तो मस्ट इम्पोर्टेंट है ये देना। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें भी सेम आपको दिखेगा, एक उधर में डाउन है, दूसरा वहाँ डाउन है, तीसरा यहाँ पे भी डाउन है। आप इस तरीके से इसके अंदर में वर्क कर सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे भी आप मेन बरामदा के अंदर में आप एक यहाँ पर डाउन हुआ है, दूसरा वहाँ पर भी डाउन हुआ है।
इसके बाद आगे आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं इधर में। ये देखिए इसमें भी सेम चीज़ है, आप इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये देखिए सेम टू सेम हर रूम में आप है। तो ये देख पा रहे फ्रेंड्स सारे के सारे वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अगर हमारा वीडियो कहीं ना कहीं देखने को कुछ सीखने को अगर मिल रहा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि कई तरीके का ढेर सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन लेके आते रहूँगा। ये देखेंगे यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये सारे के सारे अच्छे से बांधना है ताकि दिक्कत नहीं हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।